हेलो गाइज, मेरा नाम है संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं श्योर गटर यूट्यूब चैनल। और गाइज, आज मैं आपको दो व्हाट्सएप की ऐसी अमेजिंग ट्रिक्स बताने वाला हूँ जो कि आपके लिए हेल्पफुल तो है ही, साथ ही आप व्हाट्सएप प्रो यूज़र बन जाएंगे। तो गाइज, जो मेरी फर्स्ट ट्रिक है वो है डिलीटेड मैसेज के लिए। गाइज, आपको काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील होती होगी जब आपको कोई मैसेज करके उस मैसेज को डिलीट कर देता है और आपके पूछने पर भी बताता नहीं है कि उसने क्या मैसेज किया था। तो गाइज, इसके लिए हमारे पास ट्रिक है कि आप कैसे उस डिलीटेड मैसेज को ईजिली पढ़ सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको दो एप्लीकेशंस बताने वाला हूँ जिनके थ्रू आप डिलीटेड मैसेज को इजीली पढ़ सकते हैं। तो फर्स्ट जो एप्लीकेशन है उसका नाम है नोटिफिकेशन हिस्ट्री लॉग, एंड सेकंड जो एप्लीकेशन है उसका नाम है WAMR। तो गाइज, अब मैं यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री लॉग के बारे में बता देता हूँ कि कैसे आप इसको यूज करके डिलीटेड मैसेज को इजीली पढ़ सकते हैं। तो गाइज, इसके लिए हम चलते हैं प्ले स्टोर में और ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं। मैं आपको ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर डायरेक्टली इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए गाइज, प्ले स्टोर में चलते हैं और ऐप को डाउनलोड करते हैं। अब हम प्ले स्टोर में आ चुके हैं। अब आप यहाँ पे टाइप करेंगे नोटिफिकेशन हिस्ट्री लॉग। तो गाइज, यहाँ पे बहुत सारे ऐप्स आ चुके हैं, बट यहाँ पे जो हमारा थर्ड ऐप है वही हमको डाउनलोड करना है क्योंकि ये काफ़ी जेन्युइन एंड ट्रस्टेड ऐप है। तो चलिए गाइज, ऐप डाउनलोड करते हैं। अब आप इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे। तो गाइज, अब हमारा ऐप इंस्टॉल हो चुका है। अब हम सिंपली ओपन पर क्लिक करेंगे और ऐप को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग लैंग्वेज चूज कर लेंगे, एंड इसके बाद एक टर्म्स एंड कंडीशंस का पेज ओपन होगा, आप इसको रीड कर लेंगे और उसके बाद आप यहाँ पे आई रीड पे टिक कर देंगे एंड एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पे राइट स्विप करते जाएंगे एंड इसको परमिशन अलाउ करने के लिए एनेबल परमिशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये आपसे व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन एक्सेस करने के लिए परमिशन मांग रहा है, आप इस स्विच बटन पर क्लिक करेंगे और इसको अलाउ कर देंगे। इसके बाद बैक हो जाएंगे और आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, इसको एनाबल करेंगे और अब इसकी सेटिंग्स को अलाउ कर देंगे। तो गाइज, अब हमारे मोबाइल में नोटिफिकेशन हिस्ट्री लॉग ऐप इंस्टॉल हो चुका है एंड डिलीटेड मैसेज को रीड करने के लिए रेडी है। अब गाइज, यहाँ पे नीचे सेटिंग्स का ऑप्शन दे रखा है, आप इसको इजीली कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो चलिए सेटिंग्स में चलते हैं और देखते हैं कि आप इस ऐप को कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। तो गाइज, यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस दे रखे हैं, जैसे कि आप नोटिफिकेशन की सेटिंग्स को कस्टमाइज कर सकते हैं, एप्लीकेशन ऑप्शंस को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, मीडिया फाइल्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि नोटिफिकेशन को कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अगर आप डिलीटेड ग्रुप मैसेज को पढ़ना चाहते हैं तो आप इस सेटिंग को ऑन कर देंगे। अगर आप डिसेबल नोटिफिकेशन हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको ऑन कर देंगे। ऐसे ही आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेटिंग्स को ऑन कर देंगे। अब यहाँ पे लास्ट में ऑप्शन दे रखा है ऑटो डिलीट नोटिफिकेशंस। अगर आप चाहते हैं कि आपके नोटिफिकेशंस ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएं तो आप इस पर क्लिक करेंगे और आप अपने अकॉर्डिंग दिन सेट कर सकते हैं, जैसे कि 1 डे, 3 डे या 1 वीक या 1 ईयर। तो मैं यहाँ पे कुछ भी सेट नहीं करता हूँ, इसको कैंसिल करता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, ऐसे ही बाकी की सेटिंग्स भी आप इसमें देख सकते हैं। अब गाइज, इसके बाद आप एप्लीकेशन ऑप्शंस पे जाएंगे और यहाँ से ओपन एडवांस हिस्ट्री बाय डिफॉल्ट पे क्लिक करेंगे, तभी आपके डिलीटेड मैसेज रीड हो पाएंगे। तो गाइज, काफ़ी यूजफुल ऐप है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। अब गाइज, जो हमारी सेकेंड ट्रिक है वो है व्हाट्सएप के मैसेज का ऑटो रिप्लाई करने के लिए। तो गाइज, इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है व्हाट्स ऑटो रिप्लाई। ये एप्लीकेशन आपको इजीली प्ले स्टोर से मिल जाएगा, मैं आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्टली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए गाइज, प्ले स्टोर में चलते हैं और ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं। अब गाइज, मैं प्ले स्टोर में आ चुका हूँ। अब आप यहाँ पे टाइप करेंगे व्हाट्स ऑटो रिप्लाई। तो गाइज, अब हमारे सामने ऐप आ चुका है, अब हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे। तो गाइज, अब हमारा ऐप इंस्टॉल हो चुका है। अब हम सिंपली ओपन पे क्लिक करेंगे और ऐप को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए गाइज, ऐप ओपन करते ही आपको कुछ इस टाइप से इंटरफेस शो होगा। सबसे पहले आप ऑटो रिप्लाई ऑफ बटन को ऑन करेंगे। अब यहाँ से ये आपसे व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन को एक्सेस करने के लिए परमिशन मांग रहा है, आप इसको ओके कर देंगे, इसे अलाउ कर देंगे, यहाँ से बैक हो जाएंगे। अब गाइज, इसके बाद में एक ऑप्शन दे रखा है ऑटो रिप्लाई टेक्स्ट का। आपको जो भी ऑटो रिप्लाई में टेक्स्ट करना हो आप उसको या तो टाइप कर सकते हैं या सिंपली सेलेक्ट योर टेक्स्ट में से कोई भी सेलेक्ट करके आप उसको रिप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं सेलेक्ट कर देता हूँ आई एम बिजी टेक्स्ट यू लेटर। तो गाइज, अब मुझे जब भी कोई मैसेज करेगा मेरा ऑटोमेटिकली उसको ये रिप्लाई चला जाएगा। अब गाइज, इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है कॉन्टेक्ट्स का, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब गाइज, आप यहाँ से अपने ऑटो रिप्लाई को कस्टमाइज कर सकते हैं, आप इसको एवरीवन भी कर सकते हैं, आप इसको कॉन्टैक्ट लिस्ट भी कर सकते हैं या फिर ग्रुप्स के लिए भी अलाउ कर सकते हैं। तो आपको जो भी रिक्वायरमेंट हो आप उसके अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। और इसके बाद में गाइज, एक ऑप्शन दे रखा है स्टेटस का, इस पर हम चेक कर लेते हैं। तो गाइज, आप यहां से जितने भी ऑटो रिप्लाई सेंड करेंगे, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे मैसेंजर हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, उसका नंबर ऑफ मैसेज आपको यहां पे शो कर देगा। तो गाइज, काफ़ी यूजफुल ऐप है, आई होप ये ट्रिक्स आपको पसंद आई होंगी।
आई होप गाइस ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।